नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग सोर्स चैनल को। और अपने चैनल पर पहले के जो वीडियोस अपलोड किए गए हैं उनमें से 4 एपिसोड आ चुके हैं जीरो टू हीरो ट्रेडर के अंदर। ठीक है, जीरो टू हीरो प्रोग्राम में हम लोग पूरी प्लेलिस्ट बना रहे हैं अपनी, और उससे 4 एपिसोड मैंने अपलोड कर दिए। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट एपिसोड से लेकर ये 4 एपिसोड अभी अपलोड हो चुके हैं और ये है 5th एपिसोड। तो अभी जाकर इस चैनल के ऊपर आप सब्सक्राइब का बटन दबा करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। 5वां एपिसोड हम लोग, 5वां पार्ट हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं, वो है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। इंट्राडे ट्रेडिंग LTP कैलकुलेटर से कैसे करते हैं, इसका आज हम लोग कंप्लीट एक सेटअप देखने वाले हैं। किस तरीके से एंट्री मिलेगी, कहाँ पर स्टॉक फिल्टर करके मिलेंगे, क्या टारगेट होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, चार्ट के ऊपर किस तरीके से प्राइस एक्शन कैसे देखा जाएगा, सब कुछ इन डिटेल्स में कवर होने वाला है। तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक जरूर कर दो एक, क्योंकि एक लाइक आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है मेरे लिए। और अपने दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर देना, बाकी के पार्ट्स अपने चैनल पर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो LTP कैलकुलेटर से स्टॉक फिल्टर कैसे निकाले, तो एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा इन्वेस्टिंग डैडी ने लॉन्च किया है। अगर इस LTP कैलकुलेटर को आप यूज नहीं कर रहे हो तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो अपने ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा फैंटास्टिक टूल है ये। बस इस पे ऊपर 100% डिपेंडेंट मत हो जाना प्राइस एक्शन और इंडिकेटर को, यार थोड़ा सा यूज कर लो। मैं जानता हूँ सर जो है, विनय सर जो है, वो प्रमोट नहीं करते प्राइस एक्शन और इंडिकेटर को, वो सिर्फ LTP कैलकुलेटर या फिर डेटा रीडिंग को ही प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन यार मैं भी उनको फॉलो करता हूँ, ठीक है, मैं सबकी सुनता हूँ और फिर बैक टेस्ट करके अपनी मर्जी का ट्रेड जो है, सेटअप जो है, वो बनाता हूँ और उसके अंदर ट्रेड करता हूँ। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए कि सबकी सुननी चाहिए, सबसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करके, उसका बैक टेस्ट करके अपनी एक स्ट्रैटेजी डेवलप करो जो आपके माइंडसेट को सूट करती हो, एंड देन उसके ऊपर प्रैक्टिस करो तो रिजल्ट मिलेगा। ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो मत करो, ठीक है। तो आज हम लोग डेटा के अकॉर्डिंग किस तरीके से निकालेंगे, बहुत ही धमाकेदार ये प्रोडक्ट होने वाला है। आई डैडी बूम, आई डैडी ब्लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उसका आइकन जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। आइकन को अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर उसका आइकन है, ऑलरेडी सर ने एक वीडियो बना करके रखा है उसका, तो मैं उसके अंदर कुछ पॉइंट्स जो है वो ऐड ऑन करने वाला हूँ, तो ये बेनिफिशियल ही होने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा, मैं अपनी तरफ से पूरी वैल्यू देने का इस कंटेंट में कोशिश करूंगा। यहाँ पर आपको ये ब्लू कलर का बॉक्स जो है वो मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का चार्ट जो है वो आपके सामने मिल जाएगा, इस तरीके का चार्ट आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर आई डैडी ब्लास्ट के सभी इंट्राडे ट्रेडिंग के स्टॉक जो है वो फिल्टर होके आ जाते हैं। अब इसको क्या ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, वो सब कुछ आपको ऑलरेडी पता होगा आई थिंक, लेकिन मैं रिकॉल कर देता हूँ आपको क्विकली। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सिंबल, जो भी स्टॉक को आपको ट्रेड करना है। यहाँ पर उसका वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, ये प्राइस वैल्यू है, ये प्राइस वैल्यू आपको समझना पड़ेगा कि यही स्टॉप लॉस और टारगेट है, यानी कि इंट्राडे के अंदर 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो होने वाला है, यानी कि ₹1 अगर आप लॉस स्टॉप लॉस रख रहे हो तो ₹1 के टारगेट पर आपको निकलना पड़ेगा। यहाँ पर बुलिश रिस्क है कि बुलिश ट्रेड अगर आप लोगे तो कितना रिस्क है ना, जितने ज्यादा ये पॉइंट्स होंगे उतना बड़ा रिस्क है, जीरो अगर होगा तो जीरो रिस्क है, रिस्क फ्री ट्रेड है, फिर भी हम लोग उसको स्टॉप लॉस लगा कर ही काम उसके अंदर करने वाले। C1 C2 यहाँ पर दिया गया है, C2 C1 यहाँ पर दिया गया है, सर ने नाम रख दिया इसका Chintu 1 Chintu 2, तो हम लोग इसको जो है उसको उसी नाम से बोलेंगे। यहाँ पर आपको करंट मार्केट प्राइस है P1 P2, यानी कि बियरिश ट्रेड, यानी कि ये आप समझ लो Support 1 Support 2, Resistance 1 Resistance 2, इस तरीके के नाम इसको देने चाहिए थे, इसको इस तरीके से बोलना चाहिए था। अब यहाँ पर जैसे बुलिश रिस्क बताया गया है कि कितना रिस्की ये ट्रेड हो सकता है, वैसे बियरिश ट्रेड में भी कितना रिस्क हो सकता है ये। अगर आपको फिल्टर करना है तो ऊपर एक बटन दिया गया है यहाँ पर शो नियरेस्ट स्टॉक, तो जो स्टॉक के अंदर तुरंत ट्रेड मिल रहा होगा वो स्टॉक यहाँ पर आ जाने वाले, तो हम लोग फटाक से यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। ये देखो यहाँ पर ऑरेंज कलर के टाइप का एक बॉक्स जो है वो आ गया है, ये जो बॉक्स है C1 C2 के अंदर वो जो दिखाई दे रहा है ये है आपका बाइंग का प्राइस, ठीक है। इस स्टॉक में आप बाइंग जो है वो कर सकते हो, बाकी सर ने बताया C1 पे मिल रहा होगा तो C2 पे नहीं लेंगे, C2 पे मिल रहा होगा C1 पे नहीं लेंगे, वो चीजें सारी आपको
एज इट इज देखनी है। अब मेरे हिसाब से मैं क्या इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे जो लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ आपको, जिसे रिस्क में कम रिस्क में इसमें काम करना है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर SBI लाइफ मुझे दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम इसका अच्छा खासा ठीक ठाक सा वॉल्यूम है, और PV जो है प्राइस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस, 10 रुपीज का टारगेट इसमें एक्सपेक्टेड है। सर ने बोला कि रैंडम उठा लो कुछ भी, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रैंडम उठा रहे हैं यहाँ से। 25-25 रुपए का रिस्क थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब स्टॉप लॉस 25 रुपए का हिट होगा तो वो दर्द करेगा, तो हम लोग उसके अंदर नहीं जा रहे। तो आपको वो सिलेक्ट करना है जिसके अंदर जो प्राइस वैल्यू है स्टॉप लॉस की जो कम लगाई, ठीक है ना, टारगेट भले कम मिले स्टॉप लॉस भी कम लगना चाहिए। टारगेट का क्या है, हम लोग उसको कर लेंगे ना, ट्रेल करके उसको लेके जाएंगे ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे 10 रुपए का मुझे दिखा रहा है। रिस्क की अगर बात करें, बुलिश रिस्क की, तो ये सारे ही 2-4-2 के आसपास का रिस्क है, यहाँ पर 1 है, तो मैं सिलेक्ट करूंगा कम रिस्क की वाला। तो यहाँ पर 0 होता तो मैं वो सिलेक्ट करता, ठीक है। अब देखो किसमें आया है, ये C2 में आया है। यहाँ पर आप देखो SBI लाइफ कहाँ पे आया है, C2 में आया है, तो हम लोगों को इसमें बाइंग का ट्रेड करना है, इतना हम लोगों को कन्फर्म है। अब प्राइस भी दिखा रहा है कि कहाँ पर बाय करना है, तो 1787 पे आपको बाय करना है, ठीक है ना, 1787 पे आपको बाय करना है, यानी 1787 पे आपको इसको बाय करना है। तो एक लाइन जो SBI लाइफ में 1787 पर लग जानी चाहिए। तो हम लोग चलते हैं सीधा अपने, और भी पॉइंट्स वैल्यू बताने वाला हूँ, भाग मत जाना, ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है, ये जो सर ने छोड़ दिया उसको हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो SBI लाइफ, ठीक है, SBI लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, हम लोगों ने SBI लाइफ को लगा दिया। ये चार्ट है SBI लाइफ का, लाइन कहाँ पर खींचनी है, तो 1787 पर हम लोगों को एक लाइन जो है वो खींच देनी है, 1787 पर हम लोगों ने लाइन को खींच दी, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लाइन को जो है वो ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर देने के बाद हम लोग ट्रेड जो है वो यहाँ पर लेने वाले, तो दूसरा ट्रेड हम लोगों को कहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख लो C1 पर नहीं मिल रहा होगा, तो P1 P2 का ट्रेड हम लोग ले सकते हैं। तो P1 P2 के ट्रेड में हम लोगों को दिख रहा है कि 1850 और 1839, तो 1850 1839, पहले P1 देखते हैं, 1815 है वो, 15 है, ठीक है, तो ये रहा 1815 यहाँ कहीं पर, तो यहाँ पर एक सेलिंग का ट्रेड जो है वो हम लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब मार्केट कहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, मार्केट कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ कहीं पर मार्केट जो है वो मिल रहा है सेलिंग के लिए। पहली कैंडल को ट्रेड नहीं करना, इसलिए ये ट्रेड यहाँ पर नहीं बन रहा है। उसके बाद ये नीचे गिरा और यहाँ पर कहीं पर हम लोगों को एक बाइंग का ट्रेड मिल रहा है। अब इसमें क्या है कि 10 रुपये का टारगेट, 10 रुपये का स्टॉप लॉस जो है वो आपको मिल रहा था, तो 10 रुपये का टारगेट यानी स्टॉप लॉस यानी ये रहा 10 रुपये का, और टारगेट भी जो है वो 10 रुपये का यहाँ कहीं पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक परफेक्ट ट्रेड जो है वो यहाँ पर हम लोगों को बुलिश ट्रेड इंट्राडे के अंदर मिला, यहाँ कहीं पर उसको बाइंग करना था, स्टॉप लॉस यहाँ पर लग रहा है और टारगेट जो है वो यहाँ पर लग रहा है, एक्यूरेट ये डॉट टू डॉट ट्रेड जो है उसने दे दिया। इस तरीके से आपको क्या करना है, एक स्टॉक के अंदर काम करना है इंट्राडे ट्रेडिंग का। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ ना, उसको आप बड़े ध्यान से सुनना, इंडिकेटर को किस तरीके से आपको यूज करना है। सेम स्टॉक मैंने यहाँ पर लगा करके रखा है और मैं अपना टूल जो है वो यूज करने जा रहा हूँ, जैसे मैं यूज करता हूँ नदारिया वॉटसन, ठीक है। नदारिया वॉटसन के अंदर जो है वो मैं देखता हूँ कि लोअर बैंड और अपर बैंड को टच करे कैंडल, ठीक है, या फिर बाहर क्लोज करे उसके बाद अंदर आती हो, यानी कि क्या कैंडल बाहर गई और बैंड के वापस अंदर आ रही होगी, तो मैं बाय करूंगा, यहां तक का मेरा टारगेट रहेगा। तो क्या ये मिल रहा है, यस, ये बैंड के बाहर गया था, ठीक है, यहां से नीचे आया और वापस अंदर जब जा रहा है तो मैं ट्रेड करूंगा, तो सेम जगह पे ट्रेड मुझे मिला है और यहां तक का टारगेट भी जो है वो सेम मुझे मिला है। तो आप नडारिया वॉटसन के लिए नडारिया वॉटसन को एज अ कन्फर्मेशन यूज कर सकते हो। प्राइस वैल्यू देखना है, कन्फर्मेशन देखना है। यहाँ पर मुझे सेलिंग का भी एक ट्रेड जो है वो मिल रहा था, इसको भी मैं लेता सेकंड कैंडल में, क्योंकि ये P1 के काफी पास था और यहाँ पर कहीं पर 10 रुपए का स्टॉप लॉस जो है वो लगभग हिट नहीं होने वाला था, हम लोगों को ये चीजें दिख रही थी। यहाँ कहीं पर ट्रेड लेंगे तो 10 रुपए का स्टॉप लॉस इसी कैंडल के हाई के ऊपर बनेगा, 10-11 रुपए का स्टॉप लॉस, 1 रुपए ऊपर रख सकते हैं और उतना ही बड़ा टारगेट या फिर उससे बड़ा टारगेट इस लोअर बैंड को टच करने तक हम लोग होल्ड करेंगे। तो कितना हम लोगों को मिला,
सेलिंग में ₹25 का प्रॉफिट मिला। लेकिन जिस तरीके से एलटीपी कैलकुलेटर का सेटअप है, अगर P1 पे मिल रहा होगा, P2 पे मिल रहा होगा, तो पहले मिल रहा होगा तो वहां पे ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं मिल रहा होगा और ये बुलिश के लिए आ रहा होगा तो आपको ट्रेड करना है सिर्फ और सिर्फ बाइंग के लिए। ठीक है, तो ये बुलिश बता रहा है तो हम लोग बॉटम पे बाइंग करके भी ₹10 कमाया, और ऊपर अगर आ रहा होगा यहाँ पर 1815 पर ये सेलिंग के लिए आ रहा था, 1815 पर इसको सेलिंग के लिए भी देखा जा सकता था। तो ये एक कंप्लीट सेटअप होने वाला है आईटीडी प्लैट्स के ऊपर। अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताइए, ट्रेडिंग सोर्स आईटीडी ब्लास्ट, ठीक है, ट्रेडिंग सोर्स आईटीडी ब्लास्ट करके आप कमेंट करोगे तो और भी इसके अंदर तक जाएंगे हम लोग, और भी डिटेल में जाने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये सेटअप आप यूज करो, नडारिया वॉटसन बहुत अच्छा टूल है, लेकिन ये मेरे प्रीमियम मेंबरशिप के अंदर आता है, कम्युनिटी बैच के अंदर आता है। तो एलटीपी प्रोग्राम अगर आपको ज्वाइन करना है मेरा वाला, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, वहां पे जाकर के आप मुझसे सीख सकते हो ये सारे ही टूल्स की सेटिंग्स क्या करनी है और किस तरीके से आप ट्रिपल कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते हो। ट्रिपल कन्फर्मेशन किस तरीके से, मैंने पहले भी आपको बताया कि क्या होता है मेरा ट्रिपल कन्फर्मेशन ट्रेड। पहले मैं एलटीपी कैलकुलेटर डेटा को रीड करता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं जाकर के प्राइस एक्शन को रीड करता हूँ, उसके बाद इंडिकेटर की मदद लेता हूँ और अपनी एंट्री को प्लान करके स्टॉप लॉस को प्लान करता हूँ। इस तरीके से जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरा एक्यूरेसी 70-80% के ऊपर तक जाता है, और ये काफ़ी अच्छा होता है कि जितना ज़्यादा कन्फर्मेशन मिले, जितना ज़्यादा सीखने के मिले, उतना ज़्यादा सीखने के लिए सीख लेना चाहिए। ठीक है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अभी आपको उसके लिए जो है वो बहुत सारे सीरीज जो है वो आने वाली है, उसके अंदर आपको बेनिफिट मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर सीख सकते हो। चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।